नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आने वाली भर्ती टीजीटी पीजीटी 2020 के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 का संशोधित नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, कब इसके ऑनलाइन फॉर्म भराए जाएंगे और भी बहुत सारे प्रश्न। तो इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, उस सूचना के अनुसार, उस जानकारी के अनुसार सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। सबसे पहला दोस्तों जो क्वेश्चन आ रहा है कि टीजीटी पीजीटी का संशोधित नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो अभी तक जो भी अपडेट प्राप्त हो पा रही है उस अपडेट के अनुसार आपका जो संशोधित नोटिफिकेशन है 15 से 20 दिसंबर के बीच में जारी कर दिया जाएगा। पिछले कई वीडियो मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ है लेकिन फिर भी कई सारे प्रश्न आते रहते हैं, तो इस वीडियो में आप लोग समझ लीजिए कि 15 से 20 के बीच बीच आपका जो है नोटिफिकेशन संशोधित होकर के जारी कर दिया जाएगा। सूचना प्राप्त हो रही है कि इस समय जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो इसको जैसे ही काम पूरा हो जाएगा और आपका जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि क्या तदर्थों की संख्या जुड़ेगी। तो दोस्तों कई बार चयन बोर्ड ने इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले प्रतियोगी जो मोर्चा के छात्र हैं वो भी गए थे, तो वहाँ पर भी चयन बोर्ड ने आश्वासन दिया है कि तदर्थों की जो संख्या है वो जुड़ेगी। अब तदर्थों की संख्या कितनी है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें तो 2500 के आसपास ही तदर्थ शिक्षकों के पदों की बात की गई थी, लेकिन और जो अन्य स्रोत हैं वहाँ से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है सूचना के अनुसार तदर्थों की संख्या लगभग 34000 के आसपास है। तो ये मान लीजिए कि तदर्थों की संख्या जितनी भी होगी, जितनी भी ऑफिशियल रूप से निकल के आएगी, वो इस भर्ती में जुड़ेगी। चयन बोर्ड ने इस बात को खुद ही स्पष्ट किया हुआ है और संशोधित नोटिफिकेशन में उम्मीद है कि जो ये संख्या है जुड़ करके आएगी। अगर नोटिफिकेशन में नहीं जुड़ेगी तो बाद में भी हो सकता है इस भर्ती को जोड़ा जाए, इस पदों की संख्या को जोड़ा जाए, ठीक है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्या तदर्थों का विज्ञापन अलग से जारी होगा, और बहुत से ऐसे छात्र हैं जो मांग कर रहे थे कि क्या तदर्थों का जो विज्ञापन अलग से जारी किया जाए। तो दोस्तों मांग भले हो रही है लेकिन हकीकत यही है कि तदर्थों का जो विज्ञापन है वो अलग से जारी नहीं होगा। टीजीटी पीजीटी 2020 के साथ ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। उसका एक बड़ा कारण ये है दोस्तों कि अगर तदर्थों का नोटिफिकेशन अलग से जारी होता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जो तदर्थों के शिक्षक भर्ती के बारे में कहा है, उसमें ये कहा गया है कि जो भी तदर्थ शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं इनकी जो भर्तियां हैं एक सीधी भर्ती परीक्षा के साथ करवाई जाए। यानी सीधी भर्ती का मतलब है आम प्रतियोगी छात्रों के साथ ही इनकी एक सीधी भर्ती हो, अलग से इनकी अगर भर्ती होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी होगा और फिर इनका कंपटीशन कहाँ रह जाएगा जब सारे तदर्थ शिक्षक ही होंगे, है ना। तो इनको आम प्रतियोगी छात्रों से मुकाबला करना होगा। मुकाबलों में अगर ये अपना क्वालिफाई करते हैं तो अपना पद ले जाएं, नहीं तो क्या होगा, फिर ये पद जो खाली बचते हैं सीधा सीधा आम प्रतियोगी छात्रों को मिलेंगे। तो तदर्थों का जो विज्ञापन है अलग से जारी नहीं होगा, ये इसी भर्ती के साथ ही जारी होगा। यानी जो फ्रेशर भर्ती है टीजीटी पीजीटी 2020 इसी के साथ भी इनके पदों को जोड़ा जाएगा, विज्ञापन इन्हीं एक ही साथ आएगा और ये तल शिक्षक इसी भर्ती में भी रहेंगे, ये भी बात सही है। और अगर भर्ती मतलब साथ में आती है तो दोस्तों इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, भले ही अपने विषय में प्रांग मतलब एक तरीके से कहें व्याख्याता हैं, 20 सालों से कार्यरत हैं, अपने विषय के लेक्चरर हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो प्रतियोगी छात्र है कंपटीशन में बना हुआ है और जो इसने कंपटीशन छोड़ दिया है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। आप इसका आकलन खुद अपने मन से लगा सकते हैं, है ना, कि जिसकी प्रैक्टिस है, क्योंकि एग्जाम में भले कितना कुछ आता है, आप आंसर शीट में कितना करते हैं वो मायने रखता है। 2 घंटे में 120 प्रश्न करने होते हैं, तो अगर आपको आता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तब भी क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो वही हाल ऐसा यहाँ पर भी देखने को आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। तो भर्ती का विज्ञापन साथ में जारी होगा और ये अपना क्वालिफाई कर लेते हैं तो ठीक ही बात है, नहीं तो जो इनके पद हैं वो भी आम प्रतियोगी छात्रों को भी मिलेंगे, ये भी एक बड़ा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर अलग से इनकी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसका फ़ायदा किसका नुकसान, ठीक है। अब भर्ती का विज्ञापन जो इसी भर्ती के साथ ही आना तदर्थों का भी, तो यहाँ पर
आप लोग जानते होंगे तदर्थों को वेटेज भी मिलना है। पिछले कुछ दिन पहले अभी ये सूचना निकल के आई कि तदर्थ शिक्षकों को 50 नंबर का बारह अंक दिया जाएगा, लेकिन इसका व्यापक रूप से विरोध हुआ है। चयन बोर्ड के पास लिखित रूप से ज्ञापन भी पहुंचा है कि 50 नंबर का जो बारह अंक चयन बोर्ड को देने की बात कही गई है बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी हालत में 35 नंबर से ज़्यादा बारह अंक नहीं दिया जाना चाहिए। अगर 35 से ज़्यादा बारह अंक दिया जाता तो इसका व्यापक रूप से विरोध होगा, धरना प्रदर्शन होगा। ये बात प्रतियोगी मोर्चा ने स्पष्ट रूप से अपने लेटर में कही थी, ज्ञापन में कही थी। तो दोस्तों चयन बोर्ड इस बात को समझता है कि 35 नंबर से ज़्यादा बारह अंक नहीं दिया जाना चाहिए। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि जो भारांक है वो 35 नंबर से ज़्यादा नहीं होगा, यानी एक साल का 1.75 अंक ही इनको दिया जाएगा। एक साल में 1.75 अंक, तो 10 साल में 17.5 अंक और 20 साल में 35 अंक, अधिकतम 35 अंक ही भारांक दिया जाएगा। क्योंकि 2000 बाद के जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं उनकी नियुक्तियां अवैध की गई हैं, तो अधिकतम 35 नंबर का ही भारांक मिलेगा क्योंकि इनके 20 साल ही कंप्लीट होंगे। और बहुत से ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो 2000 बाद के बाद ज्वाइन हुए, मतलब 2005 में, 2006 में, 2010 में, 2012 में, 2015 में, तो उनको तो भारांक और भी कम मिलेगा। ठीक है, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जिसका 20 साल पूरा है उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे फ्रेशर अभ्यर्थी वो लोग घबराएं नहीं, अपना लिखित परीक्षा की तैयारी करें। लिखित परीक्षा में अगर आपने डेफिनेटली अच्छा कर दिया तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, आपको नियुक्ति पक्की है, आपकी ज्वाइनिंग पक्की है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी कि एक्चुअल में होता क्या है, लेकिन उम्मीद यही है जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, कोई अगर दुविधा होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि TGT PGT समेत बहुत सारे हमने वीडियो बनाए, अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया संबंधित है, सिलेबस से संबंधित, सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित कोई भी डाउट है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। TGT PGT 2020 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर आप लोग चेक करेंगे तो सारे वीडियोस आप लोग मिल जाएंगे। या जो भी सूचना आपको चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो हम उसका अलग से भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो भी सूचना प्राप्त करती हो आप YouTube पर सर्च करके भी आप लोग डाल सकते हैं। जैसे सब आपको कोई समस्या है कॉम्बिनेशन में तो आप लोग YouTube पर सर्च करिएगा TGT PGT सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आगे ABTECH लिख दीजिएगा तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको दिख जाएंगे। जो भी आपको समस्या है आप लोग इस तरीके से, हर समस्या के लिए मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाए TGT PGT से संबंधित, तो आप लोग देखिए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट निकल के आएगी हम आपको शेयर करते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।